असम की बोंटी सेकिया, जिन्होंने देखा एक सपना। शुरुआत में हमें शौचालय बनाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उल्टा शौचालय को दोष दिया और कहा कि घर के आसपास शौचालय बनाएंगे तो बीमारियां अधिक फैलेंगी। लोगों ने कहा कि वो तो खुले में शौच जाएंगे ही। इस बुराई की जड़ें गहरी थी। लोगों को जागरूक करना तो इस सफर की पहली सीढ़ी थी, लेकिन अगला कदम था शौचालय बनेगा कैसे। हमें उन्हें लगातार समझाना पड़ा, ये शौचालय साइंटिफिक तरीके से बने हैं, इनका इस्तेमाल उन्हें बीमारियों से बचाएगा। कदम से कदम मिलते गए, शौचालय बनते गए। अब ना डायरिया है ना ही कोई और बीमारियां। अब लोग खुले में साफ और ताजी हवा के लिए जाते हैं। एक थे हमारे सत्याग्रही, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, और ये है हमारे स्वच्छाग्रही, असम की बोंटी सेकिया, जिन्होंने अपने गांव को गंदगी से आजादी दिलाई। धन्यवाद बोटी जी स्वच्छाग्रह के लिए।